आज की डेट में हम बात करेंगे हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी की। बड़ा रिजेक्शन लिया है स्टॉक ने, 27 के लेवल से लगातार गिरावट देखने के लिए मिल रही है। एक बड़ी तेज़ी के बाद बड़ी गिरावट देखने के लिए मिल रही है। अब कहां तक का फॉल आ सकता है, इसके सपोर्ट लेवल क्या रहेगा, उसको हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से कर सकते हो। आप देख सकते हो कि इससे पहले स्टॉक काफ़ी दिनों तक इसी रेंज में कंसोलिडेट हुआ था और ब्रेकआउट करके बड़ी तेज़ी देखने के लिए मिली थी। अभी ये जो लेवल है नीचे की ओर, आपने लॉन्ग टर्म के लिए ख़रीदा हुआ है तो फिर आपका स्टॉप लॉस 20 के आसपास होना चाहिए। 20 के नीचे जब तक ब्रेकडाउन नहीं करता तब तक ट्रेंड पॉजिटिव ही रहेगा और इमीडिएट सपोर्ट का काम करेगा नीचे की ओर। अपने शॉर्ट टर्म के लिए ख़रीदारी की हुए तो ये जो रिसेंट लो है उसका बड़ी तेज़ी आई थी, उसके बाद छोटा मोटा सेलिंग प्रेशर देखने के लिए मिला था। 23-24 का लेवल जो है एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट का रोल प्ले करेगा, इमीडिएट सपोर्ट का रोल। शॉर्ट टर्म के लिए ख़रीदारी की हुए तो 23 के ऊपर जब तक है तब तक अपसाइड की संभावना बन रही है, पोजीशन को होल्ड करके चला जा सकता है। अभी फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं तो गिरावट के साथ नहीं करनी है, ब्रेकआउट पे ही फ्रेश बाइंग करें क्योंकि मार्केट भी डाउन ट्रेंड दिखा रहा है। हो सकता है कि इस लेवल को नीचे की ओर ब्रेक डाउन दे गया तो बड़ी गिरावट देखने के लिए मिल सकती है। अभी ब्रेकआउट पर ही खरीदारी करनी है। 27 के ऊपर ब्रेकआउट हो जाता है तो फिर हमको यहाँ 30 से लेके 34 तक के भी टारगेट देखने के लिए मिल सकते हैं।